नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद मौर्या, मौर्य जी टेक्निकल ज्ञान में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं एक इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों, जो बहुत ही नॉलेज भरा होने वाला है आप सबके लिए। आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा इसमें दोस्तों। तो चलिए, आज मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ 32 इंच का फ्रेमलेस LED है, जिसमें पैनल में प्रॉब्लम है, जिसमें वाइट स्क्रीन आ रहा है, बराबर। तो कस्टमर ने हमें बोला कि हम चालू करते हैं ना, और तो इसमें वाइट स्क्रीन आ रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। दोस्तों हम आपको लाइव दिखाएंगे कि इसमें सॉल्यूशन कैसे है, प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, पैनल का प्रॉब्लम है, कार्ड का प्रॉब्लम है, या और भी कुछ प्रॉब्लम है, वायर का प्रॉब्लम। तो हम आपको लाइव चेक करेंगे और लाइव टेस्टिंग करके चेक करके दिखाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो पे चलते हैं। इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आपसे हाथ जोड़ता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक भी करना, और हमारे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी दबा देना, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो पे। तो देखिए दोस्तों, ये है 32 इंच LED है, YB कंपनी का है, ओके, दिल्ली वाले कंपनी है LED दोस्तों। तो चलिए अब हम इसे पावर ऑन करते हैं, चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। दोस्तों हमने पावर ऑन कर दिया है, यहाँ लाइट आ गया है, अब हम इसे चालू करते हैं दोस्तों। तो पावर ऑन हो गया, देखिए इसमें वाइट स्क्रीन का प्रॉब्लम है दोस्तों। देखिए इसमें पिक्चर कैसा आ रहा है, देखिए दोस्तों, चालू में ऐसा पट्टा भी आ रहा है और वाइट स्क्रीन हो जा रहा है, जिसकी वजह से पिक्चर नहीं बन रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसका बैक बॉडी ओपन करेंगे और इसे चेक करेंगे इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं आपको इसका बैक बॉडी ओपन करके और इसमें प्रॉब्लम क्या है वो चेक करके बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने ये बैक बॉडी इसका ओपन कर लिया है। ये हमारा कार्ड हो गया 32 इंच, 512 वाला स्मार्ट कार्ड नॉर्म है। उसके बाद ये हमारा स्केलर हो गया। स्केलर में देखिए दोस्तों, इसमें LED टिकोन वाला पैनल है दोस्तों, इसमें टिकोन लगा है, टिकोन में से फिर पैनल में कनेक्शन आया है। तो ये LVDS वायर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका LVDS वायर एक बार चेक करेंगे। ओके, LVDS वायर चेक करने के बाद हम टिकोन में जो अपना रेगुलर वोल्टेज सारे आते हैं वो हम चेक करेंगे, उसके बाद स्केलर में चेक कर लेंगे। अगर यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम स्केलर में चेक कर लेंगे दोस्तों। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये पट्टी निकाल लेते हैं, उसके बाद हमको ये टिकोन निकालना रहेगा। तो हमने पट्टी यहाँ से निकाल लिया, ये कार्ड हमने इसे छोड़ दिया, ये टिकोन निकाल लिया, देखिए ये टिकोन निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम LVDS चेक कर लेते हैं चालू करके पावर। ओके, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक एक्सटर्नल कीपैड का केबल है, देखिए ये। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लगा लेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम पावर लगाएंगे और लगा के बटन ऑन करेंगे। तो देखिए यहाँ लाइट आ गया है, लाइट ऑन भी हो गया है, देखिए। तो ये हमारा बैक लाइट भी ऑन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो LVDS है हमारे पास एक दूसरा है, उसको बदल के देख लेते हैं। तो हम दूसरा LVDS वाला ले लेते हैं, देखिए हम दूसरा एक LVDS वायर हमारे पास रखा हुआ है काफ़ी, तो हम ले लेते हैं इसको, एक बार बदल के चेक कर लेते हैं कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने ये LVDS वायर पुराना वाला निकाल के, अपना जो अंदर लगा था वो निकाल के, हमने मेरे पास जो था वो मैंने लगा दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे ध्यान से लगाना है दोस्तों। इसका जो पावर का पॉइंट है, ये देखिए निशान दिख रहा है, यहाँ पे ही लगाना है आपको, और कहीं नहीं। अब हम पावर ऑन करेंगे, लाइट हमारी आ गई है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं एक बार। बटन से चालू हो गया दोस्तों, देखिए अब हम चेक करेंगे यहाँ कि पैनल का प्रॉब्लम सॉल्व है कि नहीं। तो देखिए प्रॉब्लम दोस्तों, प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं है, मतलब हमारा LVDS वायर एकदम ओके है। तो हम अपना वायर जो लगाए निकाल के उसका जो है वही लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए ये जो टिकोन है,
टिकॉन में जितना वोल्टेज जहाँ जितना आना चाहिए वो पूरा आ रहा है कि नहीं, वो हम चेक करेंगे एक बार। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर यहाँ से हो तो उसके बाद हम चेक कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इसका वही वाला LVDS वायर लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, मीटर लेके मीटर से पूरा चेक करेंगे दोस्तों कि वोल्टेज कितना आ रहा है। तो देखिए, हमने मीटर ले लिया, मीटर में हम आपको वोल्टेज पे रख देंगे। यहाँ पे रख लेना है आपको। उसके बाद LED को ओपन करना है। मैंने बटन चालू कर दिया है। अब हम इसको बटन से भी इसको पावर ऑन कर देते हैं यहाँ से। तो ये हमारा बैकलाइट ऑन हो गया। देखिए, अब हम क्या करेंगे, आपको एक एक करके यहाँ से वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे दोस्तों, क्या वोल्टेज चेक करने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको मीटर का वायर 200 पे रख लेना है। उसके बाद ये जो ग्राउंड का वायर एक केबल यहाँ पे रख लेना है, ग्राउंड का पॉइंट। उसके बाद देखिए, यहाँ पे है VREF, यहाँ पे आपको एक बार वोल्टेज चेक करना है। VREF आ रहा है आपका 11.5 ऐसा आ रहा है दोस्तों, जो कि 16 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पे कम आ रहा है। उसके बाद VGA चेक करना है। VGA तो आपको 10 पॉइंट आ रहा है, जो कि 25-30 के आजू बाजू आना चाहिए। यहाँ पे VGHP ये भी कम आ रहा है। VGL भी चेक कर लेते हैं। तो VGL में भी आपको -6, -7, -8 के आजू बाजू आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है। VCC 3.3 ये आ रहा है, यहाँ पे VCC 3.3 आ रहा है। तो नॉर्मल वोल्टेज जो 12 वोल्ट भी हम चेक कर लेते हैं, ये भी ओके आ रहा है। तो अब इसके बाद हमको चेक करना है दोस्तों, एक काम करना है, ये हमारा वोल्टेज मिसिंग आ रहा है, VGL मिसिंग आ रहा है, VGH मिसिंग आ रहा है, VDD जो यहाँ पे देखिए, ये AVB यहाँ पे भी 16 आना चाहिए, ये भी मिसिंग आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है बेल्ट है, चैनल का बेल्ट है, ये हम रिमूव करेंगे। उसके बाद हम खाली ये जो टिकोन लगा है, टिकोन में उसके बाद वोल्टेज चेक करेंगे दोस्तों। ओके, तो चलिए मैं आपको पावर बंद करता हूँ और यहाँ से ये निकाल देता हूँ। देखिए, अब मैंने यहाँ से टिकोन रिमूव कर लिया है। अब मैं आपको टिकोन का स्पेशली वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा दोस्तों। मैंने ये बोर्ड ऑन किया पावर। अब ये LVDS चालू करते हैं। चालू हो गया दोस्तों, देखिए लाइट चालू हो गई। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक बार चेक करेंगे। आपको ये काम ज़रूर करना है दोस्तों, पैनल के साथ भी एक बार चेक करना है और बिना पैनल के चेक करना है, तब आपको पता चलेगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम वापस इसको चेक कर लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले चेक करते हैं VA। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही हमने ये केबल निकाला, यहाँ पे वोल्टेज ओके आने लगा। देखिए 16.2 VREF ये भी ओके आ रहा है, 16 वोल्ट आना चाहिए, जो ओके आ रहा है दोस्तों। उसके बाद VGH भी देखिए दोस्तों, ओके ही आ गया है, 30.8 इतना ओके ही है, ये आना ही चाहिए। VGHP भी आना चाहिए, ये भी ओके आ रहा है। VGL चेक कर लेते हैं, VGL भी सही आ रहा है, देखिए दोस्तों -7.5। VCC भी 3.3 पूरा आ रहा है, ओके 3.3 पूरा आ रहा है। ये भी 3.3 चेक कर लेते हैं, यहाँ भी 3.3 पूरा आ रहा है दोस्तों। ओके, तो मोस्ट वोल्टेज जो वोल्टेज मिसिंग आ रहा था वो कंप्लीट हो गया दोस्तों। एक बार वोल्टेज जो मिसिंग आ रहा था वो आने लगा है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, कि पैनल हमारा कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, ये हम चेक कर लेंगे। अब जैसे हम ये बेल्ट इसमें लगाते हैं स्टिकॉन में, वैसे हमारा वोल्टेज मिसिंग होने लगता है। इसका मतलब क्या होता है, पैनल शॉर्टिंग भी हो सकता है दोस्तों। ओके, तो चलिए अब हम पैनल में एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं कुछ ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है हमारा, यहाँ हम चेक करेंगे कि वोल्ट कहीं शॉर्टिंग दिखा रहा है कि नहीं। तो हमें तो चलिए दोस्तों, अब मीटर को बजर मोड पे रख लेंगे और शॉर्टिंग चेक करेंगे एक बार। तो मैंने आपको एक बार यहाँ पे ग्राउंडिंग ले लिया है। उसके बाद ये DVDD जो है, यहाँ पे शॉर्टिंग चेक करते हैं, यहाँ पे नहीं है। AVDD में भी नहीं है, VGL में भी नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे ये सब जो टेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक एक करके चेक कर लेना है, कहीं शॉर्टिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। देखिए
यहाँ पे भी है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सब तो ओके ही है दोस्तों। यहाँ पे भी हमको कोई शॉटिंग नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे भी नहीं, ये यहाँ पे देखिए शॉटिंग दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों ये जो कंटिन्यूटी आ रहा है यहाँ पे शॉटिंग नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर से ही कंपनी से आता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो नीचे के जो है ना लाइन उसी में कंटिन्यूटी आएगा, जो कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले ही से ही आता है। ओके दोस्तों, 1 2 3 ये नीचे ऊपर वाले में नहीं आएगा, नीचे वाले में आपको कंटिन्यूटी आएगा दोस्तों, तो इसमें शॉटिंग नहीं है। ओके तो ये तो ऐसे ही रहता है। तो आपको और एक काम करना है, जो कैपेसिटर सारे होते हैं ना SMD कैपेसिटर, इसको आपको एक एक करके चेक कर लेना है। जैसे कि ये हो गया, ये कैपेसिटर छोटे छोटे आपको चेक करना है, उसका वैल्यू चेक करना है कि इसमें कहाँ कितना वैल्यू आना चाहिए, उतना आ रहा है कि नहीं दोस्तों, ये भी चेक कर लेना है। एक ग्राउंड में रख के आप चेक कर सकते हैं, एक साइड कंटिन्यूटी आएगा, एक साइड नहीं आएगा, तो ये चीज़ें आपको चेक करनी रहेंगी अच्छे से। देखिए ये सब ओके ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये सब कैपेसिटर तो ओके ही चल रहा है। तो आपको क्या करना है, पूरी PCB में सारा कैपेसिटर चेक करना है। देखिए जितने SMD कैपेसिटर आते हैं ना दोस्तों, देखिए जैसे कि ये हो गया, ये SMD कैपेसिटर चेक कर लेना है, कहीं से शॉर्टिंग तो नहीं दिखा रहा है। ये सारे कैपेसिटर आपको एक एक करके चेक कर लेना है इसमें। देखिए ये सारे कैपेसिटर चेक कर लेना है, उसके बाद देख लीजिए। ये आपको मैं पैनल का मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, और तो ये तो ओके ही लग रहा है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, ये जो टिकोन का है ना, हम एक बार इसको रिप्लेस करके एक बार दूसरा टिकोन लगा के चेक कर लेते हैं, कहीं इसमें ही तो इश्यू नहीं है। मैंने ये सब पूरा SMD आपको चेक कर लेना है, मैंने एक बार चेक किया है इसमें कंप्लीट, लेकिन मुझे कहीं नहीं दिखा शॉर्टिंग। ओके तो हम और कहीं भी कॉप भी कहीं जला नहीं है, मैंने कॉप भी निकाल के चेक किया इधर, तो कहीं जला नहीं है दोस्तों, कोई IC नहीं जली है, कहीं शॉर्टिंग नहीं दिख रहा है, कोई ट्रैक नहीं बर्न नहीं हुआ है। ओके तो आपको यहाँ भी चेक कर लेना, कोई ट्रैक बर्न तो नहीं हुआ है। देखिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये जो बेल्ट होता है इसमें भी अगर कहीं ट्रैक जला हुआ होता है तो भी ऐसा दिक्कत आता है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको चेक कर लेनी है बारीकी से। और मेन तो ये जो SMD कैपेसिटर है ना छोटे छोटे, ये आपको इसको शॉर्टिंग चेक कर लेना, कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। दोनों साइड दिखाने से अगर कंटिन्यूटी आता है तो वो शॉर्ट हो सकता है, तो आपको वो भी कंफर्म नहीं होना है, उसको निकालना है बाहर फिर चेक करना है। अगर आपको वो हो जाता है तो ठीक है, नहीं अगर बाहर भी शॉर्टिंग है तो उसको बदल दो, नहीं तो फिर उसको वापस लगा देना है, तो अंदर कहीं PCB में शॉर्टिंग हो सकता है। तो इसमें तो मुझे कहीं शॉर्टिंग नहीं दिख रहा है, तो चलिए मेरे पास एक दूसरा ये टिकोन है। ओके दोस्तों, मेरे पास दूसरा एक टिकोन है, मैं इसको लगा लेता हूँ। देखिए सेम कंपनी का ही मेरे पास टिकोन है, देखिए ओके सेम टिकोन है मेरे पास। तो मैं काम करता हूँ, पहले इसको लगा लेता हूँ और पिक्चर चेक करता हूँ दोस्तों, कहीं इसमें, क्योंकि इसको लगाने से इसमें वोल्टेज मिसिंग हो रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही ख़राब हो, ये PCB में शॉर्टिंग हो। तो हम सबसे पहले इसको चेक कर लेंगे रिप्लेस करके कि ये कहीं इसमें तो रिटर्न वोल्टेज जाने से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो हम चेक कर लेते हैं इसमें। बिना ये केबल नहीं लगाते हैं बेल्ट, तो वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम ये बेल्ट लगाते हैं तो वोल्टेज नहीं आ रहा है। फिर भी मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने पावर बन रख करके ही आपको काम करना है दोस्तों, ये जो लगा था वही मैं आपको वापस लगा देता हूँ। देखिए अच्छे से लगाना है, मैं पावर ऑन करता हूँ और ये चेक करता हूँ। चालू होने में थोड़ा दिक्कत कर रहा है दोस्तों, डायरेक्ट यहाँ से चालू कर लेते हैं। देखिए ये चालू हो गया है, अब हम इसे फिर से चेक कर लेते हैं पिक्चर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो देखिए दोस्तों पिक्चर अभी भी नहीं आ रहा है, जैसा है वैसा ही है। ओके तो फिर से एक बार वोल्टेज चेक कर लेंगे। देखिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं वोल्टेज। ओके इधर देखो ना इसको, इसको, इसको। हाँ तो यहाँ पे हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, वोल्टेज वही जितना आ रहा था पहले उतना ही आ रहा है दोस्तों। यहाँ भी देखिए VGS उतना ही आ रहा है,
ये भी उतना ही आ रहा है, सब में वही मतलब मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करके एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। ओके, इसको हम रिप्लेस करके चेक कर लेंगे तो हम कंफर्म हो जाएगा। अगर इसको रिप्लेस करने से भी प्रॉब्लम सेम है तो पैनल का ही प्रॉब्लम है। ओके, अगर इसको रिप्लेस करने से पिक्चर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब ये लॉजिक ही में ही प्रॉब्लम है। ओके, तो हम क्या करते हैं, देखिए हमने ये निकाल दिया और ये हम दूसरा वाला ले लेते हैं, इसको हम लगा लेते हैं अच्छे से। आपको पावर बंद करके ही काम करना है दोस्तों, नहीं तो कुछ शॉर्टिंग हो सकता है। तो देखिए हमने ये बेल्ट लगा लिया, उसके बाद यहाँ पे भी लगा लिया। देखना दोस्तों बेल्ट अच्छे से लगाना, नहीं मिसिंग ना हो। तो देखिए दोस्तों हमने ये लगा लिया है दूसरा वाला टिकोन अपना, उसके बाद हम पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन कर दिया, अब हम यहाँ से शॉर्टिंग करके इसको ऑन कर लिए। देखिए यहाँ लाइट चालू हो गया है और हम एक बार पिक्चर दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों यहाँ पे पिक्चर आ गया है, देखिए पिक्चर यहाँ पे कंप्लीट आ गया है, देख रहे हैं आप दोस्तों, यहाँ पे पिक्चर कंप्लीट आ गया है। यानी कि हमारा प्रॉब्लम टिकोन में ही था दोस्तों। देखिए मैं आपको इसमें वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ, देखिए एक बार मैं आपको इसका प्रॉपर वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ कहाँ पे कितना आता है। ओके दोस्तों, देखिए ये हमने ग्राउंड में पॉइंट ले लिया। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे VAA, देखिए यहाँ 16 आना चाहिए, 16 कंप्लीट आ रहा है। VREF, इसमें भी 16 आना चाहिए, भी कंप्लीट आ रहा है। VGH भी कंप्लीट आ रहा है दोस्तों, VGH PA भी कंप्लीट आ रहा है, VGH 3.3 ये भी कंप्लीट आ रहा है, -7.5 ये भी कंप्लीट आ रहा है, 3.3 ये भी ओके आ रहा है। यहाँ भी चेक कर लेते हैं एक बार, ये सारे वोल्टेज भी ओके ही आ रहे हैं दोस्तों। पावर ऑन का 3.3 ये भी ओके आ रहा है, ये सब ओके आ रहा है। तो दोस्तों देखिए इसमें वोल्टेज प्रॉपर सारे ओके आ रहे हैं। ओके, यहाँ सारे वोल्टेज ओके आ रहा है, बस प्रॉब्लम था इसमें जो हम लगाते थे। तो मतलब इसमें लग रहा है कि हम जब लगाते हैं यहाँ से कोई रिटर्निंग पावर आता होगा तो इसमें शॉर्टिंग हो रहा है, तो इसमें ही कहीं शॉर्ट है, ये लगाते हैं तब नहीं, बाकी इसमें रिटर्निंग कुछ ज़्यादा होगा पावर वर्क, तो उसकी वजह से इसमें वोल्टेज मिसिंग कर रहा है, जिसकी वजह से पिक्चर हमारा नहीं बन रहा है। तो देखिए हमने इसको निकाल लिया है, अब यहाँ पर हमारा पिक्चर कम्प्लीट हो गया है दोस्तों, देखिए कम्प्लीट पिक्चर हो गया है दोस्तों। ओके, तो हम क्या करेंगे एक बार इसमें पिक्चर लगा, इसको अच्छे से क्लीन करके व्यवस्थित लगा के चेक कर लेते हैं दोस्तों। ओके, तो हमारा देखा दोस्तों, हमने आपको इसमें लाइव दिखाया कि इसमें प्रॉब्लम लॉजिक में है, पैनल का लग रहा था लेकिन पैनल में नहीं है। कई बार क्या होता है, हम इसको लगाते हैं तो पैनल शॉर्टिंग होता है, तो भी ऐसा होता है लॉजिक में कि पैनल शॉर्ट हो, उसकी वजह से लॉजिक में भी वोल्टेज मिसिंग होता है, लेकिन इस ये वाले केस में ऐसा नहीं है। यहाँ आपको पैनल आपका ओके है, प्रॉब्लम लॉजिक में है दोस्तों। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मैं आपको इसको कंप्लीट पैक करके दिखाता हूँ कंप्लीट प्रॉब्लम। तो देखिए दोस्तों ये हमने यहाँ पे कंप्लीट अच्छे से लगा दिया है ताकि हिले नहीं बेल्ट वेल्ट, ओके, और निकले नहीं। तो अब हम इसे यहाँ अच्छे से लगा के पैक कर देंगे। तो दोस्तों देखा ना आपने इसमें प्रॉब्लम क्या था, इसमें खाली लॉजिक का ही प्रॉब्लम था, टिकोन बोर्ड का पैनल ओके था। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हमने कंप्लीट LED पैक कर दिया और पिक्चर लगा दिया, इसमें कंप्लीट LED चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखिए तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे वीडियो मैं आप सबके लिए बनाता रहूँ, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको हर वीडियो का मिलता रहे।